हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी धनतेरस। सो टुडे इज डे, आप लोग गेस कर लो। तो आज मैं करने वाली हूँ ओवरलैप कॉलर। ओके, ओवरलैप मीन ऑब्वियसली ओवरलैप, एक के ऊपर एक जो कॉलर आता है, जैसे यहाँ से एक कॉलर स्टार्ट हुआ, ओके, एंड दूसरा उसके ऊपर से आया, तो यहाँ तक नेक लेंथ होगी एंड देन कॉलर, एंड यहाँ से उसके ऊपर एक कॉलर आएगा। इस तरीके का एक कॉलर है जो है ओवरलैप कॉलर। तो हम अभी वो करने वाले हैं। मैंने कुछ प्रिपरेशन रात में कर दी है, सेम लाइक प्रीवियस वीडियो। तो उसका मैं प्रिपरेशन जो भी मैंने किया है, मैं उसमें ऐड कर देने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड आज धनतेरस है, ऑब्वियसली ये वीडियो तो आज ही के दिन नहीं आने वाला है, आज से शूट हो रहा है, तो कल या परसों एक दो दिन में ये वीडियो आ जाएगा। सिंगल अभी ऐसे बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, जब भी कैमरा स्टार्ट होता है तो पता नहीं जीप को क्या हो जाता है। एनीवेज, मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने अभी क्या प्रिपेयर किया है। आई मीन वो तो मैं बता ही दूंगी, बट अभी मेरे पास क्या रेडी है मैं वो बता रही हूँ। बाकी वीडियो जो है आप इसके नेक्स्ट में जो ऐड करूंगी आप वो देखेंगे। तो ओवरलैप कॉलर के लिए मेरा ब्लॉक कट हो गया है, एज इट इज सेम ब्लॉक है जैसा हमारा प्रीवियस कॉलर में था, सेम। अभी सिर्फ नेक में डिफरेंस है। ओवरलैप कॉलर मतलब हम एक कॉलर यहाँ से आएगा एंड ऊपर उसके अदर साइड ऊपर से एक कॉलर आएगा, तो एक के ऊपर एक कॉलर जब आता है ओवरलैप कॉलर, तो उसके लिए मैंने ये वाली मार्किंग कर दी है। जैसे हम नेक जैसे बना रहे थे वो सेम है, ये वाला मेरा 1.25 का गैप है, तो ये पीछे वाला नेक का है एंड ये फ्रंट है, तो ये हमारा यहाँ तक का साइज है जो है, आई मीन लेंथ है जो आएगी कॉलर का, कितना कॉलर डीप है हमारा ये वाला। तो ये यहाँ तक मार्किंग हो गई है मेरी एंड ये वाला पोर्शन जो है ये 2.50 है, तो जितना यहाँ पे मार्किंग होगी उससे 0.5 लेस, मतलब यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे 2 इंच का मार्किंग होगा। और बस मैंने इसको यहाँ से मिला लिया है, अभी इसको हम कट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैक वाले को भी कट नहीं करेंगे, नेक वैसे ही लगाएंगे जैसे हम अभी बेसिक नेक लगाते आ रहे थे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये नेक कट करके रख लिया है। ये ऊपर वाली लाइन रॉन्ग है, ये वाली लाइन करेक्ट है, तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कट करके रख दिया है। अब इसको मैंने ट्रेस कर दिया है इस पे, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि ये वाला जो लेंथ है ये है 2.50 एंड नीचे वाला जो है वो है 2 इंच। ओके, तो ये मैंने सारी मार्किंग कर दी है, ये हमारा जो है स्टिच में जाने वाला है एंड यहाँ पे ये मैंने टोटल ट्रेस कर दिया है जैसा हमारा यहाँ पे है। ओके, अभी ओवरलैप कॉलर बनाने के लिए ये मैंने एक मार्किंग की है जो कि ये मार्किंग है, ये इतना पोर्शन जो है हमारा स्टिच में जाएगा, तो वही उतना ही पोर्शन का मैंने यहाँ पे मार्किंग की है जो कि स्टिच में जाएगा। ओके, अभी हमको क्या करना है, इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पे हमको एक ऐसे क्रॉस लाइन बना देनी है। ओके, अब ये क्रॉस लाइन से ये जो मार्किंग, ये हमको यहाँ पे जो क्रॉस मिला है, ये क्रॉस मेरा होने वाला है नेक डीप, यहाँ पे आने वाला है कॉलर जो कि ओवरलैप करेगा पर दिखेगा नहीं, बट ये है हमारा नेक डीप जो आई थिंक है कितना, मैं देख लेती हूँ एक बार, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में थोड़ा सा कम। ओके, सो 5 एंड समथिंग हमारा ये डीप नेक होने वाला है। ओके, तो इतना होने के बाद अभी मुझे दूसरे कैनवास पे इसको ट्रेस करना है कॉलर के लिए, तो मैं इसको अभी ट्रेस कर रही हूँ। मार्किंग क्लियर दिख रही है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम इस पे कुछ भी ड्रॉ, मतलब किस तरीके का कॉलर चाहिए वो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके का कॉलर का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं इसको पहले अच्छे से ड्रॉ करूंगी एंड देन हम इसको ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये कॉलर ड्रॉ हो गया है मेरा। अभी मैं इसको, ये जो सेंटर लाइन है इससे ऐसे इसको हम पलटी कर देंगे, तो ये जो भी हमारी लाइन यहाँ पे बन रही है हम इसको पलटी कर देंगे एंड इसको भी हम ट्रेस कर देंगे। अभी सेम ट्रेसिंग, जो ट्रेसिंग हमने पीछे की तरफ की है वो सेम ट्रेसिंग हम आगे की तरफ भी करेंगे।
मेरा हो गया है ये मार्किंग, तो वही सेम थी जो इस वाले पे है. ओके एंड ये जो अभी हमने मार्क किया उसको यहाँ पे ट्रेस कर दिया. इस तरीके से ट्रेस करके मैंने यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर या 0.25 या 0.50 जितना थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है ताकि वो स्टिच में जाए. और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि मैं बाद में कट कर सकती हूँ, पहले कुछ नहीं कर सकती. और मेरे हाथों का क्या हाल हुआ है, बापरे. ठीक है, अभी हम इसको कट कर रहे हैं. ये जो कॉलर का मार्किंग है ये जा रहा है कटिंग में, इसको जाने देना है. हमको ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला भी एक्स्ट्रा है, इसको भी जाने देना है. तो ये कुछ जैसे ये हमारा बेस हो गया समझिए, और ये जो कॉलर आएगा वो ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा. ओके, मैं ऐसे बता देती हूँ, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा. यहाँ पे ये एंड हो रहा है, यहाँ तक आएगा एंड फिर इस तरफ से आएगा. तो ये ऐसे आएगा एंड देन ऐसे आएगा, तो ये यहाँ पे हमारा नेक लेंथ हो जाएगी एंड सेम यहाँ पे ऊपर आएगा. तो अभी हमको कैनवास की ज़रूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ फर्मा कट किया है. अभी हम सीधा इसको फैब्रिक पे ही कट करेंगे क्योंकि हम कॉलर में कैनवास नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ फैब्रिक के साथ ही कर रहे हैं. फैब्रिक के ऊपर, मतलब ये नहीं, ये ब्लॉक है मेरा, मेरे कोई भी फैब्रिक के ऊपर ये रख के इस तरीके से हमको कटिंग कर देनी है. ओके, तो अभी मैं इसको कट करने वाली हूँ. एज इट इज फैब्रिक ये डबल लिया है मैंने, और इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट लिया है, कॉलर में अच्छे से दिख के आएगा इसके लिए. तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया है. अभी मैं एज इट इज जो भी इसका शेप है वो एज इट इज कट करूंगी. ओके, ये मेरे सारे फैब्रिक्स यहाँ पे कट हो चुके हैं, दो ये एंड दो ये. ओके, तो सारों की कटिंग हो चुकी है और ये बहुत ही वाहियात कटा है. ओके, तो मैं अभी इनको अच्छे से सेट करके और रख रही हूँ ताकि हम इसमें स्टिच लगा सके. ओके, तो ये दोनों मेरे सेट हो चुके हैं. अब मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी. अब इसके बाद, क्योंकि मैं ये रात को शूट कर रही हूँ एंड मैं ये अभी रात को रेडी करके रख रही हूँ ताकि सुबह मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, तो मैं ये कटिंग करने के बाद, अभी ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ रेडी है, सुबह सीधा मशीन पे बैठना है. तो आज के लिए गुड नाइट, अभी हम मिलेंगे सीधा कल सुबह. व्लॉग स्टार्ट कल सुबह से ही होगा डेफिनेटली, और ये पार्ट जो है वो उसमें एड ऑन हो जाएगा. चलिए, तो ये मेरा ब्लॉक रेडी है, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ. ब्लॉक वही तो वही है जो हमारा प्रीवियस वीडियो में था, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है. चेंज सिर्फ हमने नेक लाइन में किया है एंड इसका जो कॉलर था उसको मैंने ये प्रिपेयर इस पे कर दिया है. एंड ये दो फैब्रिक मैंने इसको यहाँ से पल पिन से अटैच कर दिया है, ये दोनों फैब्रिक को. ये जब फोल्ड होगा तो इस तरीके से कुछ होगा. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट सीधा मशीन पे जाएंगे और हम इसको कवर करके, जैसे हम उसको फोल्ड करते हैं, मतलब यहाँ से बीच में से जैसे फोल्ड करते हैं, हम उस तरीके से इसको फोल्ड करने वाले हैं. तो अभी हम सीधा मिलते हैं मशीन पे, तो डायरेक्ट काम मशीन पे करेंगे. अभी मैं इसको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को एक स्टिच लगा रही हूँ और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे. ओके, तो कॉर्नर बाहर निकालने का एक और तरीका, एक तरीका तो ये था कि हम उसको वो फोल्ड करके और फिर बाहर निकाल देते, दूसरा ये था कि पल पेन या कोई पिन से ऐसा फिक्स करके और ऐसे हम बाहर निकाल देते. अभी मैं कर रही हूँ थ्रेड से हम बाहर निकालेंगे, तो मैं वो तरीका भी बता देती हूँ कि थ्रेड से हम पॉइंट बाहर निकालते तो वो कैसे निकालते. तो ये वाला हमने एंड कर दिया, यहाँ से अभी हमको यहाँ पे टर्न होना है. तो टर्न होने से पहले मेरा नीडल नीचे ही है, मैं एक छोटा सा एक थ्रेड ले रही हूँ. सो दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम फॉर मी, तो मुझे भी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कैसे होगा. मैं इसको एक बार साइड में कर लेती हूँ. ये मुझे एक्चुअली इन दोनों के बीच में डालना है, इस तरीके से डालना है इसको, एकदम नीडल के पास में. एंड एक स्टिच और ले लूंगी मैं. ओके, अभी हम इसको फोल्ड करेंगे. फोल्ड करने के बाद मैं ये थ्रेड को इस तरफ साइड में कर दूंगी क्योंकि और कोई स्टिच में नहीं आना चाहिए ये. अभी हम यहाँ से वापस कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, कि हम अभी मैं इसको एक बार खोल के देखती हूँ कि मेरा ये मैंने अभी जो किया है वो किस तरीके से आ रहा है. ओके, तो ये हो गया है यहाँ पे. अभी हम इसको पल पे निकाल देती हूँ एक बार. अब इसको हम फोल्ड करेंगे.
ठीक है, अब मैं इसको ऐसा फोल्ड कर रही हूँ, जितना होता है उतना निकाल लीजिए आप एक बार, एंड देन ये थ्रेड जो आया है इसको मैं ऐसे खींच दूंगी। ओह वाओ याया, अभी क्योंकि हमने और कोई स्टिच में इसको नहीं लिया है तो प्रॉपरली निकल जाएगा थ्रेड, अदरवाइज ये फिर फंस जाता है, फिर इसको काटना पड़ता है। तो मैं देख रही हूँ जैसे ये लिया, एक साइड पकड़ा एंड निकल गया, और इसका कॉर्नर कितना अच्छे से बाहर आया है। और इसको अभी प्रेस करेंगे हम, पहले मैं इसका धार स्टिच लूंगी एंड देन इसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आएगा। अभी ये कुछ इस तरीके से सेट हो गया है। ओके, अभी ये सेम टू सेम मैं सेकेंड वाला भी प्रिपेयर कर रही हूँ एंड देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये दोनों रेडी हो गए हैं मेरे। अभी जो ये पोर्शन जो भी खुला हुआ है, ओके, ये यहाँ से चिपका है क्योंकि मैंने फ्यूजिंग टेप से चिपका दिया है, बट ये जो ओपन स्पेस है अभी मुझे यहाँ पे एक स्टिच लेनी है दोनों पे। तो मेरा जो फर्मा मैंने जो कट किया था कैनवास पे, वो मैंने उस पे कॉलर अपने जमा के देख लिए है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ओवरलैप, एक कॉलर के ऊपर दूसरा कॉलर। तो अभी हम इसको स्टिच करके देखते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट आएगा। चलिए, ये मैंने अपने फर्मा के हिसाब से ये कंप्लीट कर दिया है, ये इस तरीके से दिख रहा है, एंड इसको मैंने अभी बल पिन से अटैच कर दिया, अच्छे से सेट करके रख दिया है। अभी मुझे एक स्टिच यहाँ पे लेना है इस एंड पे, एंड एक स्टिच मुझे यहाँ से लाना है जो मैंने पेंसिल से मार्क किया है। चलिए, तो एक मैं यहाँ से ये वाला स्टिच लूँगी, इसे रेडी हुआ है। ओके, ये जो मैंने अपना नेक कट किया, मतलब नेक जो मार्क किया था मैंने, उसमें हाफ इंच अंदर की तरफ एक और मार्क कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको कटिंग कर दूंगी एंड हम ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा जब हम सिलाई लेंगे, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चले जाएगा। ये मैंने कट कर दिया है, ये इस तरीके से हो गया है। अभी इसको अटैच करने के लिए ये मेरा फैब्रिक जो है, ये मेरा राइट, ये है, दिस इज राइट। ओके, तो राइट पे हम राइट रखेंगे ऐसे, यस, तो राइट फैब्रिक के ऊपर हम ये कॉलर जो है वो राइट रखेंगे, और ये अभी हम कुछ इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। ये यहाँ तक होने के बाद मैं यहाँ पे इसको कट लगा दूंगी ताकि हमारा अच्छे से ये फोल्ड हो सके, एंड एक कट हम इधर भी लगाएंगे, ओके, ताकि ये अच्छे से इस तरीके से स्ट्रेट हो सके। ये टर्न कर लिया है मैंने, अभी मैं एक स्टिच यहाँ पे लगाऊंगी। सीधा उल्टा मिक्स हो गया है, मुझे इसको वापस करना पड़ेगा, मैं वापस कंप्लीट करके बताती हूँ। आई थिंक मुझे शोल्डर अटैच भी कर देनी चाहिए, और शोल्डर अटैच करने के बाद मैं फाइनल दिखाती हूँ। ओके, तो ये है मेरा ओवरलैप कॉलर, और मैं मेरा सर कट रहा है। ओके, तो ये है मेरा ओवरलैप कॉलर। मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा सा अलग कुछ यहाँ पे ट्राई करूँ। ओके, तो ये है मेरा ओवरलैप कॉलर। आई नो इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं है, बट ये आएगा। मेरा बैक नेक अभी प्रिपेयर नहीं है, ये बाद में करूँगी। ये मैं ऐसे ही शोल्डर अटैच एक बार कर दिया था, तो ये कुछ इस तरीके का इसका लुक है, एंड आई एम नॉट रियली हैप्पी, बट ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम ना, ठीक है। तो इसी ओवरलैप कलर के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमारो।